अपन की ड्राइविंग में बैठे हैं फर्स्ट टाइम, कितना पहुंचेंगे हम लोग, लग तो रहा है। हम पढ़ पढ़ के पागल हो गए, तो अब हम डक पे बैठे हैं। ये देखो ये हमारा ब्रेक चल रहा है और हम डक पे इसलिए आए क्योंकि ये सबसे पीछे है और यहाँ हमें वॉचमैन या कोई भी बच्चा नहीं देखेगा सोसाइटी का, तो हम यहाँ पे हैं। लेट्स गो। मेरा है सी हॉर्स, इसका डक। ठीक है गाइस, ये रिफाइंड है जिसको समृद्धि ने सरसों का तेल समझ के बेचारी निकोल को मसाज कर दिया खत्म करके। बोल रही कि ये तो सरसों था। इसलिए तुझे आराम नहीं हुआ। बेचारी निकोल को रिफाइंड। कॉन्टेक्स्ट के लिए निकोल को पीरियड क्रैम्स हो रहे थे और समृद्धि का मतलब दिल बुरा नहीं था कि उसने सोचा कि मसाज कर देती हूँ पर ना ये मैडम गिर गई थी हंसते हंसते। मैं सूंघते थे या मेरा अब की दो वायवास खत्म हुए, एग्जाम थ्योरी सारी खत्म हो गई है, आर प्रैक्टिकल्स आर गोइंग ऑन एंड बहुत ज़्यादा यार हालत देखो मेरी, इट्स जस्ट मेरे बाकी दोस्तों का कल छुट्टी है, आफ्टर माय बैच आई हैव एग्जाम टुमारो एज वेल, तो हमारा सब चीज़ लगातार हो रहा है। आई लुक सो शिट, वी जस्ट केम बैक फ्रॉम वाइवा, मेरा आज और कल दोनों काफ़ी अच्छा गया एंड कल तो मेरा बिना पढ़े काफ़ी अच्छा चला गया, तो अभी मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैं और चीज़ों के लिए बिल्कुल ना पढ़ूँ। और कल मेरे दो सब्जेक्ट का एग्जाम है, लाइक प्रैक्टिकल एंड वाइवा, दैट इज़ माइक्रो बायोलॉजी एंड जनरल पैथोलॉजी, एंड आई होप कि मैं पढ़ लूँ क्योंकि अब मैं इतना थक के आए हम लोग कि वो लोग सो गए, मैं भी सोने जा रही हूँ। मैंने अपना रूम थोड़ा क्लीन किया, इट लुक्स टाइडी, मैंने पंखा थोड़ा साफ किया, क्लोथ्स मैं शाम में करूँगी, मुझे बाल भी धोने थे, बट वील फिगर आउट आफ्टरवर्ड्स। सो या धूप बहुत तेज़ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ इतनी तेज़ धूप है, बट मैंने कर्टन्स लगा रखे हैं कि नींद आ। सो या लेट्स गो, गुड नाइट। इट्स लिटरली वन इन नाइट एंड निकोल को ये आमी जे तो माँ, वो भी फिल्म का वर्जन जिसमें हो हु हा ये सब आ रहा है वो सुनना है। आई डोंट नो व्हाट शी इज़ अप टू, इसलिए मैं सो नहीं रही हूँ कि भाई पहले ये सोए फिर मैं सोऊंगी। निकोल आर यू इन कॉन्टैक्ट विद एनी बंगालीज? आज मोमेंट हो गया है तो I found one but he left. Oh my god. My oversharing has can't keep anything to myself. Okay guys, ये काफी है बहुत सारा। रात को 1 बजे निकोल, I don't know what her मकसद is. आमी जे तो माँ, ये सेकेंड टाइम है, वो भी फर्स्ट टाइम नहीं है। सो गाइज बी अवेयर, तुम्हें अगर निकोल रोड पे दिखे, मैं तो आई डोंट नो रूम लॉक करके सो रही हूँ। तो तेरे प्यार की धुन क्या है? गाइस लेट्स लीव हर अलोन एंड गो स्लीप, बाय गुड नाइट। क्यूट है, देखो कहाँ है मेरा। एग्जाम हो गया होता है या एग्जाम के बाद की हालत है, वाइवा में हमने हक दिया है। प्रैक्टिकल भी कोई खास नहीं किया हमने। हैप्पी हैप्पी
जिन्होंने मंगवाया भी और अपना रिग्रेट भी किया है, इसका देख लो बहुत अच्छा है। मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ। यस, मेरे घर के पास KFC है। एंड मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया था आज हम ट्रैकिंग जाएंगे, पर साले अभी तक आए नहीं है। मेरा घर सबसे पास हो सकता है, एक्चुअली हो भी नहीं सकता है, और फिर भी मैं टाइम पे हूँ और इन लोग का जिस यहाँ से 5 मिनट दूर है, और ये लोग मुझे 10 मिनट पहले बोल चुके हैं कि हम 2 मिनट में निकल रहे हैं, बट अभी तक कोई आया नहीं है। और मैं और 4 कुत्ते यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरे को लग रहा है कि वो मेरे को ही ना काट ले, क्योंकि उन्हें भी दौड़ाने को कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। अब देखते हैं भाई, इतने लेट लतीफ है ना ये लोग, 5 बजे का बोल के, अभी 5:20 हो रहा है, अभी तक आए नहीं ये लोग गंदे।
गाइस, तुम्हारे एग्जाम फाइनली खत्म हो गए हैं। मेरे को कोल्ड हो रखा है और मेरा वाइवा बहुत गंदा गया है। एक्सटर्नल ने मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, बट आई एम हैप्पी कि एग्जाम खत्म हो गया। तेरा वाइवा कैसा है? पर हम बस इसलिए पूछ रहे हैं कि एग्जाम खत्म हो गए, अब बस हम ये चाहते हैं कि हम पास हो जाए। और हाँ, एक दो मार्क्स हमें चलेगा बट हमें पास हो जाए। चलो गाइस, लेट्स गो, बाय। लोग सोते हुए ये एग्जाम के टाइम पे डायरेक्ट नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। आज लास्ट एग्जाम है। ये नहीं कि लोग पिलो।